कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जिनको कोरोना योद्धा कहा गया, वह आज अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर जीवन यापन कर रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों की योद्धा की उपाधि दी गई थी, लेकिन रायबरेली जिला अस्पताल के आवासीय कॉलोनी में रह रहे अस्पताल के कर्मचारी और किसी जमाने के योद्धा बड़बड़ाती नाली, जर्जर भवन और बिना कनेक्शन के लाइट से परेशान है। मजेदार बात यह है कि यहां उनके घरों के बाहर नालियां और कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। जरा देखिए ग्राउंड जीरो से यह पूरी रिपोर्ट, संवाददाता संदीप मिश्रा के साथ। ये मेरा नाम सुनीत श्रीवास्तव है और मैं सेकंड ऑब्लिक 10 में रहता हूँ। इस कॉलोनी का हाल ये है और इतनी गंदगी, इतने जर्जर हाल में कैसे रहते हैं आप लोग? जो है कुछ नहीं होता है यहाँ पे, और इसके पहले भी कई बार कंप्लेन की जा चुकी है, लेकिन कोई आता होता नहीं है यहाँ पे। खुद ही मैं अपने आप से जो भी होता है सफाई करवाता हूँ, जो पे करके देता हूँ, लेकिन सफाई वगैरह होती नहीं है। डेंगू का इतना प्रकोप रहा, यहाँ पे मरीज भर्ती हुए हैं और पानी देखिए नालों में भरा हुआ लगता नहीं, हमेशा जाम रहता है पानी। और ये तो सबसे किनारे के हिस्सा है, लेकिन पूरे हॉस्पिटल कैंपस के अंदर आप देख लीजिए बहुत बुरी स्थिति है। अच्छा, जो कॉलोनियाँ हैं उसमें क्या रहने लायक है? कभी मतलब जर्जर है, आप एक बार देखिए पूरा। CMS भी इसके पहले भी CMS आई, वो भी देखी, उसके पहले CMS थे वो भी आके चेक किए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या टूटा फूटा क्या कहते हैं, कुछ नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, भगवान भरोसे आप लोग रह रहे हैं। बस बस चल रहा है, यूँ ही जिंदगी यूँ ही चल रही है बस। अरे सुबह उठते किसको याद करते हैं, याद करते हैं या भगवान को याद करते हैं? बस इन्हीं लोग को याद करते हैं, क्योंकि गंदगी का आलम इतना है कि हम क्या बताएं आपको, बहुत गंदा है। आप देख रहे होंगे कि इतना ज़्यादा गंदा है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, जबकि हम लोग खुद लोगों के लिए जो है साफ सफाई करते हैं और लोगों को सुविधाएं देते हैं अस्पताल में हम लोग, उसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन जनता को कहता है जागरूक होइए, सफाई रखिए, आप लोग को इस हाल में रखे हुए हैं। हम लोग खुद करते हैं, जो कर सकता है भैया अपने से कर रहा है, लेकिन अगर ये कहीं कैंपस करे, हॉस्पिटल करे, हॉस्पिटल की तरफ से कुछ नहीं, दोहरा व्यवहार है, नहीं हो रहा, नहीं मतलब कर्मचारियों को मार रहा है और जनता बता रहा है। बिल्कुल, आप यही नहीं, आप पूरे कैंपस में कहीं भी आप टहल लीजिए, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा साफ सफाई, बहुत गंदा है, टू मच गंदा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रीना है। कहाँ के रहने वाले? यहीं जिला अस्पताल रायबरेली। इतनी गंदगी है और इतनी जर्जर हाल में कॉलोनी है, कैसे रहती हैं आप लोग? जो है जैसे लोग सभी लोग रहते हैं वैसे हम लोग भी रहते हैं। नहीं, एक मजबूरी में रह रही हैं, एक रहना होता है, मजबूरी भी है और रहना भी है ना। और बस कुछ कहना नहीं चाहेंगे, बस इतना चाहेंगे कि साफ सफाई यहाँ होनी चाहिए, वातावरण। अच्छा, डेंगू और कोरोना जैसी महामारी फैली थी, गंदगी है तो मच्छर पनपते होंगे तो बीमारी फैलती होगी। हाँ बिल्कुल, अभी जो समस्याएं हैं तो ये हर घर में। तो क्या कहेंगी जिला अस्पताल प्रशासन को, कि कुछ कहना चाहेंगी साफ सफाई के लिए? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि साफ सफाई होनी चाहिए हमारे पूरे कॉलोनी में, मतलब साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। भर जाती है, नालियाँ भर जाती है, अंदर भी आ जाता, पानी भर जाता है, बारिश में भी पानी नीचे वाले लोगों को क्या क्या समस्या आती है, पानी अंदर आ जाता है, पूरी नाली भर जाती, छोटे छोटे बच्चे भी आंगन में पूरा पानी बसा रहता है, बलाए बलाए आते हैं तो सफाई कराते हैं, गंदगी लैट्रिन भी आंगन में से सब उतर आती है, तो बारिश नहीं होती तब वो भर जाती है। अस्पताल वाले कुछ साफ नहीं करते? नहीं, बुलावा जाए तो करते हैं। अच्छा, आते हैं बुलावा जाए, जब ज्यादा हो जाती तब? हाँ, ज्यादा हो जाए तो हफ्ता डेढ़ हफ्ता बीत जाए, कहो 15 दिन बीत जाए तो आवे सफाई कराने, भैया नाली खुदो, अब तो मां सीवर ऐसे ही।